सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने अमूल्य समय में से जो है हमको ये समय दिया, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी जो हम लोग एक अपना चित्रग्राही फिल्म प्रोडक्शन से हंसा एक संयोग जो मूवी बना रहे हैं हम लोग, आज हमने इस मूवी को बनाने का जो है आश्रय भागवत का लेकर, भागवत कथा का आश्रय लेकर, हम लोग भगवान का आश्रय लेकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी श्रीनाथ टेंपल हवेली में और एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जो साधना टीवी पर लाइव चल रहा है। तो क्या कारण थे इस तरह का भागवत कथा करना, क्या है ये, क्या स्क्रिप्ट की डिमांड थी क्या इस तरह का करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, स्क्रिप्ट का कोई डिमांड नहीं था। कारण है कि हंसा एक आध्यात्मिक शब्द है और हम एक जो फिल्म बना रहे हैं एक भावनात्मक फिल्म है और सामाजिक फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है, तो हमने एक भागवत कथा का आश्रय लेना उचित समझा इसके लिए। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति, आगे क्या होने जा रहा है, शूट खत्म हो चुका है क्या, कितना बाकी, कुछ बताना चाहिए? जी, अभी हमारा शूट 4 जून से चालू है मुंबई के अंदर और हम लोग जून में पूरा कंप्लीट इस फिल्म को पूरा कर लेंगे। और हमने अपने इस फिल्म के माध्यम से एक अनाउंस किया है पूरे 116 कंट्रीज़ के अंदर, पूरे देशवासियों को, कि हम लोग जो है अपनी इस फिल्म से जो भी कमाई होगी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उन गरीब बच्चों के लिए एक आवासीय सांदीपनि शिक्षा निकेतन की स्थापना कर रहे हैं, जिसकी पहली नींव हम लोग दिल्ली में रखेंगे और एक साल के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा जून में शुरुआत होने जा रहा है, तो क्या कितना शूट बाकी, कुछ बताना चाहिए? हमारा करीब करीब जो है 60% शूट बाकी है, अब हम कंटिन्यूटी शूट पे उतरेंगे और 4 जून से हम लोग मुंबई में शूट करेंगे और 8 दिन का शूट हम लोग छत्तीसगढ़ में लेके जाएंगे जून के एंड में। तो क्या आप प्रेस को भी बुलाने जा रहे हैं जब मुंबई में? जी बुलाइए। किसको जी? प्रेस को जी, इवेंट लाइव वहाँ पे शूट, ऑन लोकेशन शूट पर आप बुलाएंगे? जी बिल्कुल बुलाएंगे, प्रेस को भी इन्फॉर्मेशन देंगे और सभी को देंगे इस बारे में जानकारी। और ये कब तक ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा, कुछ बताएं? ट्रेलर हम लोग एक सेल्फी कुड़ी गाना अभी हम लोग 4 और 5 तारीख को शूट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे ही शूट होगा और उसके 4-5 दिन बाद तक हम लोग इस गाने को टीवी चैनल पर देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, स्क्रिप्ट तो एक अपनी जगह है और दूसरा हंसा को लेके जिस तरीके से हम लोग प्रोत्साहित हुए, जिस तरीके से सब लोगों को सपोर्ट मिला, तो उसको देखते हुए हमको लगा कि हम हंसा को लेके एक भागवत कथा करें और जिससे एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। एक हमारा थोड़ा सा प्रचार प्रसार का जो माध्यम है तो हर तरीके से लोगों ने अब जमाया हुआ, तो कुछ हट के करने का हमारी इच्छा थी। अड़चने आ रही है कि इसके कारण भगवत कथा कर रहे हैं? नहीं, कुछ अड़चने नहीं आ रही है, अड़चने ना आए इसके लिए भगवत कथा का आयोजन किया गया और अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए। और ये कहा भी जाता है कि अगर कोई भी शुभ कार्य करो तो भगवान को याद करना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग भगवान को याद भी किए और शुभ कार्य भी करने जा रहे हैं। जो आपका पहला ही सॉन्ग था और उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है मीडिया में, क्या कहना चाहिए इस पर? सारी मीडिया चैनल ने जो ऑन लोकेशन शूट कवर किया था पूरे चैनल में चला है ये, चाहे वो आज तक हो, NDTV हो, सब जगह चला है, क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जो एक छोटा सा क्रिएशन अगर पब्लिक ने इतना पसंद किया और काफ़ी सराहा गया, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और हो भी किस नहीं सकती कि मुझे कहीं से लगता है कि मेरा पहला कदम सार्थक रहा। सर क्या कहना चाहिए आज के दिन, आज भगवत कथा होने जा रहा है? मैं यही कहना चाहूँगा कि भागवत के माध्यम से हंसा एक संयोग का जो एक बहुत बड़ा एक समागम के माध्यम से जो हमें सहयोग मिल रहा है, वो फिल्म प्रोड्यूसर तो हज़ारों बनाते हैं लेकिन सब पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, लेकिन ये फिल्म सुरेश जी ने जो शुरू किया है, इस फिल्म से जो एक बड़ी कमाई आएगी, हम किन्नर और गरीब बच्चे के लिए हम एक बड़ा अमाउंट खर्च करेंगे
और उन्हें के हाथों में जो पढ़ना चाहते हैं हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। तो ये इसके अलावा ये फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी? ये फिल्म देख कब तक लॉन्च हो जाएगी? टेरल कोशिश तो हमारी यही है कि अक्टूबर तक हम कोशिश करें कि फिल्म हमारी रिलीज हो जाए, और प्रयास हम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके, थैंक यू। हाँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन चित्राग्रही फिल्म्स प्रोडक्शन के माध्यम से किया गया है, और ये एक बहुत शुभ उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ मनोरंजन को भी उन्होंने अमृत से जोड़ दिया, कल्पवृक्ष से जोड़ दिया, कि मनोरंजन भी हो और समाज की सेवा भी हो, है ना। तो एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं इस चित्राग्रही फिल्म्स को जितना धन्यवाद बोलूं उतना कम है। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसी के लिए ये सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और संपूर्ण विश्व को भागवत ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ये अमृत पान कराने का परम सौभाग्य और ये महान पुण्य का कार्य आपको प्राप्त हो रहा है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं श्री सुरेश शर्मा जी, हमारे निर्देशक श्री हमारे संतोष कश्यप जी और धीरेन्द्र वर्मा जी, आप सबके माध्यम से ये कथा आज पूरे विश्व के कोने कोने तक जा रही है, और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि भगवान इनकी इच्छा भी पूरी हो रही है। हमारी ये जो फिल्म है हंसा एक संयोग, ये संपूर्ण हिंदुस्तान के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार इस ऐतिहासिक और सामाजिक भावनात्मक फिल्म को आप लोग देखें, और देखना आपके देखने के बाद आपका कुछ अंश इस महान पुण्य कार्य में सांदीपनि शिक्षा निकेतन के रूप में ये प्रस्फुटित होगा, मेरा विश्वास है। देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं पूरी प्रोडक्शन टीम हमारी जो है महाराज जी का धन्यवाद कर रही है, क्योंकि आज 5 दिवस से जो अमृत गंगा महाराज जी हमें पिला रहे हैं, मेरी पूरी टीम उनको जो है चरण स्पर्श करती है, और सभी बड़े खुश हैं, उत्साहित हैं, और मैं अपनी चित्रग्राही फिल्म की तरफ से जो है आज पुनः फिर निवेदन करता हूं कि मेरी जो ये फिल्म है हंसा एक संयोग, मैं इससे की हुई कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आवासीय सांदीपनि शिक्षा निकेतन में लगाऊंगा, और 1 साल के अंदर अंदर हम महाराज जी का ये सपना अवश्य पूरा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सड़कों पर कोई भीख ना मांगे, एक अथक प्रयास करेंगे, बाकी तो समाज जितना साथ दे सकता है वो दें, बहुत अच्छा लगेगा, सभी इस पुण्य कार्य में भागी बने। मैं यही पूरे देशवासियों से, विदेशियों में रहने वाले सभी भारतीयों से, विदेशियों से नम्र निवेदन करता हूँ, और पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने इस व्यासपीठ से अपने मामा श्री शिव रतन शर्मा जी को जो है स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री राधे श्री कृष्ण हरे मुरारी जय श्री राम। पूरे देश में हमारे अखिल भारतीय किन्नर समाज उत्साहित है, और मैं देश की पहली मिनिस्टर रह चुकी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, मेयर भी रह चुकी हूँ जी, और मेरे ये हंसा फिल्म जो बन रही है, और इसमें हम लोग बहुत से बात करके आए हैं, हम लोग समाज में मदद कर रहे हैं, और जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब चित्रा फिल्म है जो संस्थान, और हमारे डायरेक्टर साहब संतोष सुरेश जी, कश्यप जी और संतोष तिवारी वर्मा जी, ये लोग बहुत ही मदद कर रहे हैं। ये फिल्म को देश में चलाना है, और हम लोग पूरे देश में हम लोग ऐड करेंगे, एयरपोर्टों प्रचार करेंगे,
और चाहे हमें सलमान खान को, कैटरीना कैफ को, सबको बुलवाएंगे, इस फिल्म को अच्छे से अच्छे हम लोग प्रचार करेंगे और इनको अवार्ड भी हम राष्ट्रपति से दिलवाने काम करेंगे। और ये फिल्म से जो कमाई होगा वो सर्वप्रथम कुछ पैसे हम लोग मिला के श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बनना है उसमें हम लोग मदद करेंगे। देश में राम मंदिर बने जल्द से जल्द हम लोग की संकल्प है, तो इसलिए फिल्म से जो कमाई होगा राम मंदिर बनेगा, कुछ पैसा उसमें भी लगाया जाएगा, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो बच्चे समाज से वंचित है उनको सहायता किया जाएगा और आगे के लिए मदद किया जाएगा। ये सामाजिक फिल्म है, लोगों को बढ़ चढ़ के देखना चाहिए। और जो भी इस देश में सोशल वर्किंग और जो एनजीओ चला रहे हैं जो भी, तो उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से और जो भी चैनल है आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, आके अधिक से अधिक सहयोग करें और इस फिल्म को अपने एनजीओ के माध्यम से, अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करें ताकि इसकी पब्लिक सिटी अच्छी सच्ची हो, जनता इसका आनंद ले सके, जनता किन्नर समाज के बारे में जान सके जो किन्नर समाज होती क्या है। जैसे कि किन्नर का हमेशा पिछड़ा रहा है, 377 भी अभी तक नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे, आप सरकार से आप कुछ मदद कर नहीं, सरकार बहुत मदद कर रही है, मोदी जी से हम लोग मिले थे पिछली बार 10 दिन पहले, बहुत अच्छे उसमें हैं, हम लोग मोदी जी से भी मिलेंगे, हमारे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब को हम लोग लेके जाएंगे, इन लोगों से मिलके डेलीगेशन जाएगी हमारी और मोदी जी से मिलेंगे, मोदी जी से भी इसका ऑर्गेनाइजर करवाने की हम लोग संकल्प लेंगे ताकि अच्छी फिल्म प्रसारण हो। आपने सलमान खान की बात की, तो सलमान बिल्कुल, सलमान खान जी भी आएंगे, गोविंदा भी आएंगे और अमिताभ बच्चन जी भी आएंगी, जो भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग बुलाएंगे और इस फिल्म की प्रचार प्रसार करवाएंगे। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो आजकल सहारनपुर में लगातार घटना हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अब इस विषय में, राजनीतिक विषय में बाद में बात करेंगे। थैंक यू। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप प्रचार बहुत अच्छे से हुए और हम भी, हम जो जो कंट्री में रहते हैं वहाँ भी प्रचार करें और फिल्म अच्छी चलनी चाहिए, अच्छी जो सहायता फिल्म से जो बाकी लोगों को नहीं मिल पा रही है फिल्म से भी मदद मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो हंसा एक सहयोग एक मूवी बनी है उसको देखें और देखने के बाद जो समाज में लोगों का जो नज़रिया है वो बदल जाए, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस फिल्म के लिए और मैं काफ़ी शुक्रिया करूँगी हमारे सुरेश शर्मा जी का कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी पूरी मेहनत रंग लाए, बस हम सब की यही ढेर सारी दुआएं हैं। आप लोग क्या कहना? बस यही दुआ करते हैं कि जो फिल्म हम जिसमें ये किए हैं वो फिल्म बहुत अच्छी चले और पूरे हमारे जो स्टाफ जो हमारे सर जी के हैं वो पूरी फिल्म अच्छी चले, बस यही दुआ करते हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि समाज नजरिया बदले, हम लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, उनका अपनापन चाहिए, ऊपर से नजरिया बदलना चाहिए, हमको हमारा अधिकार अधिकार चाहिए, हमको मिलना चाहिए, सम्मान अधिकार चाहिए, जो हमको मिलना चाहिए और ये मूवी के जरिए हम हमें मिल जाए, बस यही चाहिए। और फिल्म के जरिए हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ समाज में कुछ कर सकते हैं, समाज के हम भी हिस्सा हैं और हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, हम दिखाना, बस यही। हम किन्नर होते हुए भी हमें अपने आप में गर्व होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, बस आप लोग का साथ और सहयोग चाहिए। थैंक यू। सहारनपुर का राइड देखिए, सहारनपुर का राइड दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो है लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही लचेली है और इस पर राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक जी को सोचना चाहिए, जो बार बार टिप्पणी किया करते थे सपा सरकार में, तो आज चुप क्यों हैं। इस पर भी हम लोग मांग कर रहे हैं राज्यपाल जी से, आँख खोल के देखें, उत्तर प्रदेश की दौरा करें। योगी जी जिस प्रकार से जनता को झूठे वादे करके पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, ईवीएम की खराबी जिस प्रकार रही है, तो हम व्यक्तिगत हमारे अच्छे हैं योगी जी, व्यक्तिगत संबंध हमारे, पर एक पार्टी होने के नाते हम उनका विरोध कर रहे हैं और एक पार्टी जुड़ी हुई हूँ, इस नाते से काम अच्छा नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में, दंगे फसाद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली भविष्य में 2019 में परिवर्तन लाएगी, हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा को जनता नकारात्मक सोच रख रही है, भाजपा नहीं आगे आएगी। जो एंटी रोमी स्क्वाड भी बनाएगा, बिल्कुल एंटी रोमी इतनी गलत बना दी गई है, अब बताइए भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस प्रशासन, निकम्मी प्रशासन, क्या एंटी रोमी आपने बना के, आपका फर्ज नहीं है, बजट नहीं है, सिर्फ घोषणा कर देना, मैं घोषणा करके जा रही हूँ
मैं भी मुंबई में किन्नर आयोग बना के जा रही हूँ, हमारे जितने एंटी रोमियो का काम किन्नर समाज करेंगे, तो क्या घोषणा करने से हो जाएगा? बजट होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, संविधान में कैबिनेट में पास होना चाहिए, और ये सब ना होकर उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम हो रही है, और उत्तर प्रदेश में जो संप्रदायता ताकत बढ़ी जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार होगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। आखिर एक सवाल है जो किन्नरों के बारे में है, जैसे कि किन्नरों का कहा जाता है उन्हें हम बुरा ना माने, लेकिन एक तरह की धारणा है कि उनकी जब मौत होती है तो उन्हें चप्पल मार। देखिए, यही बात शबनम मौसी जी के फिल्म में दिखाया गया था। शबनम मौसी फिल्म में दिखाया गया था तो बिरादरी ने उनसे 50,000 जुर्माना लिए, और डायरेक्टर साहब से हम भी मिले थे, एसपी भारद्वाज जी से, उनसे बोले थे ये सीन निकाल दिया जाए, ये सब झूठी अफवाह है, ये कुछ ऐसा नहीं होता। किन्नर समाज की जो समाधि होती, जो हिंदू सनातन धर्म के होते हैं उनको समाधि दिया जाता है, और जो मुस्लिम धर्म को होते हैं तो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज से उनको ले जाया जाता है, दाह संस्कार जिसे होते हैं, ये सब झूठी बात है। जो एक आम जिंदगी जीते हैं लोग, इसी प्रकार किन्नरों की भी लाइफ है। चप्पल मारना, रात में ले जाना, ये सब बकवास बातें, आधुनिकता बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनके जो फ्यूनरल होते हैं वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं दिखा देते, अभी मैं मर जाऊंगी तो हमारे किन्नर समाज रोएंगे गाएंगे, जो चेले होते हैं उनको कोने, अब फिल्म देखिएगा सर, स्टोरी फिल्म में बताएंगे क्या, हम पहले बोल दें आप लोगों को। जी जी जी।